तो UFC 294 में बहुत सारी अमेजिंग फाइट्स हुई थी और जिस फाइट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो थी हमारे इंडियन प्लेयर अंशुल जुबली की, जो कि थी माइक के साथ और फाइट बहुत अमेजिंग थी। पहले दो राउंड्स सबने देखे होंगे कि भाई अंशुल ने डोमिनेट किया, क्योंकि ये UFC स्पोर्ट ऐसी है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। सारे ऑड्स जो थे वो थे अंशुल के फेवर में थे कि अंशुल इस मैच को जीत जाएंगे, और मुझे भी ये लगता था कि यार अंशुल इस मैच को जीत जाएंगे और जीत भी गए थे ऑलमोस्ट। अगर वो 3 मिनट और सर्वाइव कर लेते तो इस फाइट में, जब पहले राउंड हुआ अंशुल की स्ट्राइकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सेकंड राउंड में भी अंशुल ने अपनी स्ट्राइकिंग का कमाल दिखाया और वो ग्रैपलिंग के लिए भी तैयार थे, लेकिन थर्ड राउंड जैसे हुआ तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए और माइक ने अंशुल को काउंट करना शुरू कर दिया। वो अंशुल के माइंड से प्ले करने लगे थे और अंशुल के पेस से वो प्रेशर दिख भी रहा था, और अंशुल उस प्रेशर के अंदर आके उनका फेस से पता लग रहा था कि भाई वो एटमॉस्फेयर को फील कर रहे हैं। माइक बहुत ही ज़्यादा शाउट और एक बार तो भौंकने भी लग गए थे जैसे कुत्ता भौंकता है। तो अंशुल ने कभी भी अपने कैरियर के अंदर ऐसी टॉन्ट्स को लिया नहीं है, तो अंशुल कभी भी ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर खेले नहीं है जिस जहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा लेवल की टॉन्टिंग की गई हो, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट था वहाँ के लोग भी अंशुल को बू कर रहे थे। लेकिन इससे बंदा सीखता है और आगे बढ़ता है। बहुत ज़्यादा फाइटर्स हैं जो कि पहली अपनी फाइट में हार जाते हैं, लेकिन वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे कम्पीट भी कर पाए हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अंशुल जल्दी से जल्दी कमबैक करें और अपनी अगली फाइट को जीतें। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो कि अंशुल को ट्रोल कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, पुरानी क्लिप्स उठाकर कि भाई अंशुल तू तो ऐसे बोल रहा था लेकिन अब क्या हुआ। तो भाई उन ट्रोलर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई खुद अगर बंदा उस सिचुएशन में हो तभी पता लगता है, तब बंदे पे आप पे बीतती है, तब बंदे को पता चलता है कि वो किस प्रेशर के अंदर आके खेल रहा है और क्या फील कर रहा है जब उसे पंच पड़ रहा है, जब उसे ब्लॉकेज हो रही है, जब उसे टॉन्टिंग हो रही है। तो ट्रोल करने से बेहतर है कि भाई आप जाओ खुद ट्रेनिंग लो, अपने 5-7 साल लगाओ और लड़ो, तब पता लग जाएगा कि टाइप करना इजी है या फिर फाइट करना। तो मैं तो जल्दी आऊँगा कि भाई अंशुल जल्दी से जल्दी अपना कमबैक करें और भी ज़्यादा इंडियन फाइटर्स UFC में आएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और इस स्पोर्ट बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है भाई। मैं तो भाई UFC को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इंडियन फाइटर्स आएंगे UFC में, इंडिया का भी नाम होगा जैसे आज रशिया का, ब्राज़ील का है। तो अंशुल को बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज नेक्स्ट फाइट, और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अंशुल इस एक्सपीरियंस से लर्न करे और अगली अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी ना करे। तो थैंक यू।